everyone and welcome to Code Factory by Raj at Newton School. Okay, so I'm Raj Kapasia, educator at Newton School. So हमने इससे पहले एक वीडियो करी थी जिसमें मैंने if else, else और else if के बारे में बताया था, nested else if के बारे में बताया था. So अब जो हम करेंगे उसके कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं हम कि हाउ टू डू दिस प्रोग्राम. सो यहाँ पे हमारे कुछ 5 प्रोग्राम्स हैं, एक एक करके हम ये प्रोग्राम करेंगे. सो हमारा जो पहला प्रोग्राम है, राइट ए सी प्लस प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स. सो हम फर्स्ट करते हैं, हमें मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर फाइंड करना है. ओके, सो ये मैंने न्यूटन स्कूल का ही प्लेग्राउंड खोला है, जैसे कि आपने पहले कुछ वीडियोस में देखा होगा, मैंने हर एक वीडियो के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे, तो एल्स इफ ट्यूटोरियल के लिए भी है. तो मैं यहाँ पे एक बार ओपन एडिटर करता हूँ. सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कुछ कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ सो दैट मेरे को रीराइट ना करना पड़े. सो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, प्रैक्टिस के नाम से क्रिएट करते हैं, प्रैक्टिस इफ एल्स. ओके, सो हम प्रैक्टिस करेंगे इफ एल्स की, क्रिएट. सो ये क्रिएट हो गया. यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक लैंग्वेज चूज़ कर लें, काफ़ी बार लोग क्या करते हैं लैंग्वेज चूज़ नहीं करते और उसे रन करते हैं तो वो प्लेन टेक्स्ट ही रन होता है, ध्यान रखें. ओके, प्रैक्टिस इफ एल्स ही ये आ गया है. सो अब हम करते हैं लॉग इन यहाँ से, लेट मी कॉपी पेस्ट दिस फ्रॉम हियर. तो यहाँ पे आप जो भी प्रोग्राम करते हैं वो आपके सेव रहते हैं, सो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए. सो यहाँ पे मैं ये सारा वाला पार्ट उड़ा देता हूँ. ओके, तो हमें क्या, मुझे क्या करना है, मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स फाइंड करना है, ए एंड बी. ओके, ए इक्वल्स टू 9 एंड लेकिन से बी इक्वल्स टू 3. सो यू नो लाइक विच वन इज़ मैक्सिमम फ्रॉम हेयर, यू कैन सी इज ए. सो इफ ए इज़ ग्रेटर देन, वी हैव सीन दिस ऑपरेटर ऑल्सो, greater than b, then cout a, inside double quotes you can write a is greater than b. okay, so this we can write inside this if and else part. As you know, if a is not greater than b, so it is like b is greater than a then. Okay, so here we can write like b and here you can write like a. okay, so I will run this program and let's see what's the output for this. So yahan pe aap dekh sakte hain a is greater than b kyunki a 9 hai. agar main b ko bada kar deta hu, let's see the output. okay, b is greater than a. सो एक चीज़ का और ध्यान रखिए, अब एक टेस्ट केस बनता है इसमें कि अगर दोनों नंबर सेम हैं तो ये क्या करेगा, एल्स में जाएगा, बी इज़ ग्रेटर देन ए. सो इस केस को अगर आपको कवर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स इफ, एल्स इफ के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं बी इज़ ग्रेटर देन ए और उसके अंदर आप ये लाइन लिखिए. सो इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि ये टेस्ट केसेस काफ़ी बार आ जाते हैं कि दोनों नंबर सेम है तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते. बी एंड ए आर इक्वल, ई क्यू यू इक्वल. ओके, सो जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आएगा अब बी एंड ए आर इक्वल. अब नहीं आ रहा है कि कौन सा ग्रेटर है, जैसे मैंने बी को 315 कर दिया, मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे बी बड़ा है, सो बी इज़ ग्रेटर देन ए. अगर मैं यहाँ पे ए को बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे आएगा ए इज़ ग्रेटर देन बी. सो आप देख सकते हैं तीनों कंडीशन फाइन चल रही हैं जो मैंने इसमें लगाई हैं दो नंबर का मैक्सिमम फाइंड करने के लिए. सो आप इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें आप और कर सकते हैं कि यूज़र से इनपुट ले सकते हैं. एंटर वैल्यू ऑफ ए, ओके सी आउट है ये स्क्रीन पे दिखेगा एंड देन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए. सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज सेम ही चीज़ लिखनी है अंडर द वैल्यू ऑफ बी एंड यहाँ पे आपका बी को वो इनपुट ले. ओके, सो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट लाइन करनी है तो मैं यहाँ करूँगा एंड एल और यहाँ पे भी लाइक एंड एल होना चाहिए. अब मैं रन करता हूँ इसको. सो यहाँ पे रन एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी एन ए आर इक्वल. सो ए और बी की वैल्यू लिखते हैं हम 12 एंड 7. नाउ हम रन करते हैं.
सब हम रन करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है। एक बार तो मेरे को यहाँ पे भी हैंडल लिखाना पड़ेगा ताकि जो मेरा आउटपुट है वो दूसरी लाइन में आए। तो यहाँ पे मैंने हैंडल लगा दिया, मैं रन करता हूँ उसको। 12 और 7 हमने वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्योंकि यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है। मैंने 76 वैल्यू कर दी बी की, तो यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए आना चाहिए। तो बी इज़ ग्रेटर देन ए, आप देख सकते हैं कि वैल्यू उसी अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। मैं यहाँ पर भी 76 कर दूँ। सो इट इज़ वर्किंग फाउंड फॉर द कस्टम इनपुट ऑल्सो, बी एंड ए आर इक्वल। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द अदर प्रोग्राम। सो अदर प्रोग्राम इज राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम बिटवीन थ्री नंबर्स। सो नाउ वट वी हैव डन, वी हैव डन विद टू नंबर्स, सो वी हैव टू डू द सेम थिंग विद अ थ्री नंबर। सो वी आर टेकिंग अनदर वेरिएबल विच इज सी नाउ, एंड द वैल्यू ऑफ सी। सो वी आर टेकिंग यूजर इनपुट एंड देन वी डू विद अ कस्टम इनपुट ऑल्सो, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड हेयर वी विल पुट द कंडीशन एंड ए इज ग्रेटर देन सी, सो वॉट डज दिस कंडीशन विल डू। सो दिस कंडीशन विल चेक लाइक ए इज ग्रेटर देन बी रिटर्न 0 एंड 1, ओके एंड दिस कंडीशन विल ऑल्सो चेक दिस एंड रिटर्न 0 एंड 1। सो एंड विल डू इज एंड विल वर्क ओनली इफ द बोथ ऑफ द कंडीशन आर ट्रू। इफ द ए इज ट्रू, ए इज ग्रेटर देन इन द बोथ द केस, देन एंड विल वर्क एंड विल लाइक दिस विल गिव आउटपुट, अदरवाइज इट विल फॉल्स बिकॉज एंड बोथ ऑफ द कंडीशन आर द बोथ साइड द कंडीशन इज शुड बी ट्रू फॉर द एंड। ओके सो हेयर ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी, ओके एंड आफ्टर दैट बी इज ग्रेटर देन एंड यूज एंड वी हैव टू चेक विद सी ऑल्सो, सी ग्रेटर देन लाइक बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी एंड हेयर इज बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी। ओके दैट्स फाइन। So what we have to do, we have to check with for C also. So we will put else if again, else if C is greater than A, and C is greater than B. Okay, so then I'm just copying this C out so that it would be easy for us. So C is greater than, here is C is greater than A and B. Okay, that's fine. C is greater than A and B and else part should be also there. Otherwise if will not get executed. So else. So inside else what you have to write, C out. Maybe 3 of the values are equal. Equal or you can say invalid. Okay, so equal or invalid, so don't forget to put the semicolon at last. So I'm running this program now. Okay, we have to tell the value of A, B and C. So 1, 2, 3. Now I'm going to run. As you know, like C is greater than A and B, so this thing happens. So if 3, and if I put 3 here also. So where it will go? It will go inside the else part, which shows like maybe 3 of the values are equal or invalid. Okay. So if I write it as a 35, so I know C is greater. So it will show C is greater than A and B. If I write 355, so it should show B is greater than A and C. B is greater than A and B. So I should write here C. That's why that is giving such output. So not will give correct output A and C, right? So if I write 3, 5 after this, so it should show A is greater than B and C. Okay, so it is showing the correct output. So we are able to find the maximum number. So what you can do, you can like print number also at here. You can write B simply. If it's B, for condition is true for B, and if condition is true for A, you can write A simply. And if the condition is true for C, so you can write output as a C only. Okay. So let me run this program and see. The A is greater than B and C, 355. Okay, the value of A is 355, it is displaying. Okay, that's fine. So move on to the next question. Our next question is check C++ program to check whether a number is negative, positive or zero. Okay, so we have to take only one number. Now, let me remove this whole.
Okay, so we have to check this number is positive or negative. If a is greater than 0, if a is less than 0, then c out negative and if we have to check for the positive condition, else if a is greater than 0, then c out positive. Okay, so this is there and we have to check the three condition. Let me check. So we have to check positive 0 also we have to check. So for 0 what we will do, it is obvious inside, it will go inside else c out 0. Okay, so what first input is 6. Let me run this program. It is showing a compile error. Let's see where. Okay, c out 0. After c out 0 there should be a semicolon. It's showing that only. So when I'm running this program, so it is giving some output, so that output is positive. 6 is positive. Okay, if I write it as a negative 6, so let's see the output. Negative. If I write it as a 0, so it should show 0. 0. Because if we are checking here, like number a से कम होना चाहिए तो नेगेटिव है ऑब्वियस है, अगर a से बड़ा है तो पॉजिटिव है ऑब्वियस है, वरना तो ज़ीरो ही है, क्योंकि ना बड़ा है ना छोटा है तो ज़ीरो ही होगा, ऑब्वियस है, इट्स ऑल्सो ऑब्वियस. सो दैट्स वाई वी हैव डन दिस प्रोग्राम टू चेक द थ्री नंबर्स. ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा इस प्रोग्राम को अच्छे से करें. राइट अ प्रोग्राम टू चेक सी प्लस प्लस चेक राइट अ प्रोग्राम राइट अ सी प्लस प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन. ओके, वी हैव टू चेक फॉर अ नंबर वेदर इज ऑड और इवन. सो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको ऑड चेक करना है तो a mod 2 इक्वल्स टू जीरो कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इवन चेक करना, सॉरी. सो सारे इवन नंबर जो हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ताकि हमें ईजिली पता लग जाए कि 2 से कौन सा डिविजिबल है, वरना एल्स में आप क्या कर दें, सी आउट कर दें, सी आउट ऑड. तो इससे ईजिली हम ऑड और इवन नंबर फाइंड कर सकते हैं. तो ध्यान रखिए ये चीज़ क्या करेगी, ए मॉड करके मतलब इसका रिमाइंडर निकालेगी. आपको पता है रिमाइंडर ज़ीरो है, ज़ीरो के इक्वल तो ये इवन हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे करूँ 77, तो 77 आपको पता है क्या है, ऑड है, तो ये ऑड दिखाएगा. अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ देन इट शुड शो इवन. सो आप देखिए यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग लाइक वैल्यूज के अकॉर्डिंग ऑड और इवन शो कर रहा है, एंड इट इज़ शोइंग द करेक्ट वैल्यू ऑल्सो. एक और चेक करते हैं, ये हमारा ऑड बता रहा है, एंड देन 8 ऐड करते हैं, सो इट शुड शो इवन. या इट्स वर्किंग फाइन. अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा तो इट शुड शो 0 एट हियर. ओके, इट इज़ शोइंग 0 इन द इवन पार्ट ऑल्सो. ओके, इट इज टेकिंग 0 एज इवन. ओके, सो इफ वी हैव टू राइट द कंडीशन हेयर ऑल्सो, इफ लाइक दिस इज 0, a is 0, so this should not run and this should show that value is 0. Okay, so we will write the if condition in there. So our last program is write a program to input any alphabet and check whether it is square, vowels or constant or like what. Okay, so what we have to do here is we have to convert this char a is now char type. We are taking input and now we have to check like vowels and constant. We know like this vowel like a is equal to small a e i o u. So we will use or condition. या तो फिर ये इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल है, इनमें से किसी एक के इक्वल है, तभी हमने और यूज़ करा. एंड मतलब दोनों के इक्वल होना चाहिए, a e a e i O U. Okay, then C out. What's the C out here is vowel. Else C out जो होना चाहिए वो हमारा होगा false. Like constant. ओके, तो ये हमारा डबल कोट के अंदर होगा,
Let me run this program. It's 89. Oh, sorry. It should have some like alphabet T. So T we know like, I think so it is getting still that old one. Some error is occurred at here. So let's see what error it is. I think so I'm connected with my Wi-Fi. Yeah, I'm connected with my Wi-Fi. So let me run again. It is running wrong. So it's a compilation error is there, vowel. So vowel was declared in the scope. Okay, so for that like printing vowel I should use the double quotes, which are forward. So now I will run this. So T we know is constant, so that's why it is showing constant. If I write E at here, so it should show the vowel. So you can say E is vowel, I is also vowel. Okay, this thing you can do by this way. Simply you know like some vowels, like five vowels are there, you can write the vowels in the if condition and else it's a constant. As you know like char mein 26 letters hi hote hain, ya to fir vowel hoga ya to fir constant hoga, usse alag to kuch nahi hoga, right? So that's why we are doing this. Okay, thanks for watching this video. Kindly do subscribe to this channel. Thank you.